हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू चूज़ अ करेक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान। मतलब आप किस तरीके से एक सही इंश्योरेंस प्लान का, लाइफ इंश्योरेंस प्लान का चुनाव कर सकते हैं। आमतौर पे आप सुनते होंगे कई बार कि आपकी इनकम का 10 गुना अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सही तरीके से लाइफ इंश्योरेंस प्लान का चुनाव करने के लिए आपको कुछ एक फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, तो आज हम लोग उन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहला फैक्टर है दोस्तों, डिफाइन योर नीड, यानी कि आप अपनी नीड, बेसिक नीड को समझिए। बेसिक नीड हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, ओरिजिनल पर्पस, कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनके गोल्स पूरे किए जा सके, इतना पर्याप्त मात्रा में आपके पास पैसा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर फैमिलीज गोल्स निकालना चाहिए, नंबर वन स्टेप। फिर उसके अंदर उसमें आपको एडिशन करना है, अगर कोई भी आपने लोन लिया है या कोई भी प्रकार की लायबिलिटी है आपके सर के ऊपर, यानी कि आपके कंधों के ऊपर, तो उस लोन की या लायबिलिटी की आउटस्टैंडिंग वैल्यू को एडिशन करें। और फिर वहाँ से आप माइनस करेंगे, क्या आपने अगर कोई अभी तक कोई एसेट्स बना लिए हैं ऑलरेडी, तो उनको आप लेस कर दोगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। और फिर जो बैलेंस निकलेगा, जो अमाउंट निकलेगा, वो आपका हुआ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइफ कवर, यानी कि इतना लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके पास हो इस अमाउंट का, तो शायद आपके फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनके जो सपने हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो शायद पूरे हो सकते हैं आपकी अनुपस्थिति में भी। ये हुआ एक सिंपल फॉर्मूला जनरल वे में कि अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए ये जानने का। और हाँ, कितने समय के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए आपको अपने लाइफ के लिए, उसका भी सिंपल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो सबसे बाद में आएगी। एग्जांपल, आपकी उम्र आज 30 साल है और आपके बच्चों की एडुकेशन, मैरिज, चाहे एक बच्चा चाहे दो बच्चा, सीधी सी बात है किसी एक बच्चे का या जो सबसे यंग है अभी, तो उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सबसे ज़्यादा देर तक रहेगी, सबसे ज़्यादा दिनों तक रहेगी। तो मान लीजिए 25 साल बाद तक उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, चाहे उसकी एडुकेशन के लिए चाहे मैरिज के लिए। तो 30 प्लस 25, 55 साल, यानी कि ऐसी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए जो 25 साल तक आपको कवर करे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जान सकते हैं कि पॉलिसी का अमाउंट कितना होना चाहिए और समय सीमा कितनी होनी चाहिए, ये आपको इस तरीके से आप जान सकते हैं। नंबर टू पॉइंट दोस्तों, वो है बैकग्राउंड चेक ऑफ द कंपनी एंड ड्यू डिलीजेंस। तो फर्स्ट फैक्टर के द्वारा अगर आपने कुछ पॉलिसीज का चुनाव किया है, कुछ एक पॉलिसीज को आपने शॉर्टलिस्टिंग किया, उसके बाद आप कंपनीज का बैकग्राउंड चेक करेंगे और ड्यू डिलीजेंस करेंगे, मतलब खोजबीन करेंगे, जांच करेंगे कि किन फैक्टर्स का आपको जांच करना है। सबसे पहले जिन पॉलिसीज़ की आपने शॉर्टलिस्टिंग की है, उन पॉलिसी का वर्डिंग्स पढ़ेंगे। आपने सही सुना, पॉलिसी वर्डिंग्स, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स को पूरा डिटेल में, फाइन प्रिंट में, टर्म्स कंडीशंस को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में टाइम लगा के, बिकॉज पैसा आपका है और लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर टू, पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर थ्री, कंपनी की कस्टमर सर्विस कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्या काबिलियत है कस्टमर सर्विस देने की, कहां कहां पर वो प्रेजेंट है, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, किस किस तरीके से आप वो कस्टमर सर्विस आपको देने की क्षमता रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंपनी का सपोर्ट नेटवर्क क्या है, सपोर्ट नेटवर्क अगेन ऑनलाइन ऑफलाइन, किस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ये सब बेसिक चार पॉइंट है दोस्तों, विद इन द ब्रॉड पॉइंट ऑफ बैकग्राउंड चेक एंड ड्यू डिलीजेंस। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम वर्ड से फीलिंग आ रही होगी कि अगर आप ना रहें तो आपकी फैमिली को पैसा मिल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं ना क्लेम मिल जाना या क्लेम सेटलमेंट होना। तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको हर कंपनी का देखना चाहिए इससे पहले कि आप पॉलिसी खरीदें, जितना ये रेशियो हायर होगा उतना बेटर है। लेकिन कितना हायर होना चाहिए इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है दोस्तों, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडिया में जो है लाइफ इंश्योरेंस की, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग कम से कम 80% या उससे ऊपर का रेशियो। तो 80% या उससे ऊपर का रेशियो अगर है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, कौन सा रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। अब इसमें आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पता फिर कि मैं सब कुछ स्टडी करके पॉलिसी लिया लेकिन कहीं मेरी डेथ के बाद में फैमिली को क्लेम नहीं मिला, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म सही तरीके से भरा है और उसमें सब कुछ सच सच डिक्लेयर किया है। कुछ भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हाइड मत करिए,
अगर आप कुछ हाइड नहीं करेंगे और सब कुछ सही से डिक्लेयर करेंगे पॉलिसी लेते वक्त मतलब यानी कि पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त, तो दोस्तों आपका पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है IRDAI के द्वारा, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनके द्वारा तय किए गए रूल्स और मापदंड के अनुसार काफ़ी हाईली रेगुलेटेड है, तो क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड द पॉलिसी। तो तीन पॉइंट के बाद जो पॉलिसी आपने फिल्टर की है उस पॉलिसी के बारे में और कुछ पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड द पॉलिसी का मतलब पॉलिसी का टर्म, पॉलिसी का टाइप, प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है और मैच्योरिटी डेट एंड चार्जेस इफ़ एनी। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों बेनिफिट्स अटैच्ड इफ़ एनी। इन सब पॉइंट्स को आपको स्टडी करना है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस समझ में आया होगा। चूज़ योर पॉलिसी केयरफुली बिकॉज इंश्योरेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, माइंड यू। एक गलत पॉलिसी ले ली आपने तो आपका नुकसान हो सकता है, सॉरी आपका नहीं आपकी फैमिली का। तो कृपा करके इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करते वक्त इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।